मेरी छोटी क्लास के विद्यार्थी होंगे सी उन्होंने आके क्लास के गेट के कोल खड़ के आवाजा मारनिया, ओए बोने तू एडा की रहना वा, ओए बोने मेरे ना लड़ ला, ओए बोने मैं तेन कुट दूंगा, इदा मैं कमेंट करने मेरी को छोटी क्लास के बच्चे ने। मैनू इदा लगता सी भी जिदा मतलब भी एकदम भी क्लासा मुक जान, दुनिया खत्म हो जाए, मैं मतलब भी कुछ भी मतलब इदा का होना नहीं चाहिए मेरे नाल, भी लोग मैं इदा कमेंट करते ने यार भी रब ने मैनू इदा का कातों बनाया, मैं कातों इस तरह का वा। मेरी क्लास के एक कुड़ी होंगी सी, एक तो अट्रैक्शन मेरी वधदी गई उस कुड़ी वल, तो मैं अपने दोस्त दे नाल गल कीती भी मैं मतलब इस कुड़ी नू पसंद करदा वा, मैं अपनी यार इस कुड़ी दे नाल जिंदगी जीनी चाहुंदा वा, मतलब स्टडी कंप्लीट करके मैं मतलब इस दे नाल आपदा फ्यूचर देख रहा वा अपना। मेरे दोस्त ने मैनू ये गल कही भी यार तू उसकी हाइट देख, ताल दी हाइट देख। एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड दे नाल आई सी, अपना पानी वगैरह पीण आई टूटी, तो मैं उन्हें सीरियस इक्को गल दसी सी, मैं कहा भी मैं तेरे नाल जिंदगी जीनी चाहुंदा वा, तो कहिंदी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के देख आपदा, तो मेरा मोढ़ा देख आपदा मोढ़ा देख, तो कहिंदी आपदी हाइट देख मेरी हाइट देख, कहिंदी तेरे नाल मेरा कोई फ्यूचर हैगा वा। खुद नूं मतलब मैं कोसण लग गया सी, मैं रब नूं मैं कहण लग गया सी रब्बा मैनूं चक ला, मतलब मैं जीना ही नहीं गा चाहुंदा, मैं भी कुछ ना कुछ को गड्डी थले दे दे जां मैनूं कुछ भी कर दे, बस मैनूं खत्म कर दे, मैं जिंदगी जीनी ही नहीं चाहुंदा गा। मैं कई टीचर इहोजे हुंदे सीगे कि मतलब अपने लैसनस वगैरह आने उहदे विच एक आदि मानव वाला लैसन हुंदा सीगा, एक साइंस दा हुंदा सीगा, ते मैडम ने मैनू खड़े कर लेना, मैडम ने कहना भी आ जिहड़ा लैसन है तेरे ते बनिया वा आदि मानव दा, यानी कि अद्धा बंदा। सोची जाना यार उ मतलब घूमी जानी मेरे दिमाग दे विच भी रब ने मैनू इदां दा कातों बनाता, की गल होगी मेरे तो, कि गलती होगी जां मेरे घरदियां तो कि गलती होगी भी इदां दा मैनू बनाता उसने। कॉमेंट पास करने भी तू बोना वा, तू साढ़े तो देख आपकी हाइट देख, सारे आपकी देख साड़ी देख, भी अं तेरे तो लंबे हाँ, भी मतलब भी तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी दे विच। वेटर का काम किया वा मैं, भांडे चके है जूठे, लोगों दी गल्लां बातां जिहड़ियां, मेरी एक डिसेबिलिटी सी मेरी वह कितें भी मेरा पिछा नहीं सी छड रही, डिसेबिलिटी जिहड़ी मेरी हरेक तरफ मेरे नाल ही पिछे पिछे चल रही सी। उन्होंने कहना वो गड़ूआ वो बौने आ गलासी चक इत पई आ, सानू आ लिया के दे, सानू आ लिया के दे। दिन रात काम करना 100 रुपया सिर्फ मेरी दिहाड़ी होंगी सी 100 रुपया, तो रात का काम भी मैं करना सोचना भी 100 रुपया दिहाड़ी है मेरी, 100 रुपया रात का बनूगा, 200 रुपया मेरा बन जूगा, मैं रात को भी काम करना। तो मेरे फादर साहब ने पानी पिलाया तो मेरे हथों पानी तक नसीब नहीं होया मेरे फादर साहब न। उस दिन फिर मेरे जहन च उही गल्लां घूमन लग गई भी तू कैसा निकड़मा पुत वा जिस दे हथों तेरे प्यो नूं पानी तक नसीब नहीं होया। दुख तकलीफां दे नाल भरी हुई रात सी मेरी, उस रात मैनूं इदां महसूस होया कि यार इन्ने दुख दिते तू आपदे माँ प्यो नूं, कोई सुख नहीं तेरे माँ प्यो ने देखिया, तेरा प्यो बिना सुख देखे चले गया दुनिया तों। सोची जाना यार भी कितने मेरे कारण तो नहीं यार भी इदा हो गया, डैडी नूं भी मतलब मैं दुख दिंदा सी परेशान करता सी, चल मैं कहा भी यार इत्थे ते पंजाब दे विच मतलब फ्यूचर है नहीं गा मेरा, भी चल मैं बाहर चल जाना वा कोई गल नहीं। तो उत्थे मैं 3 महीने 12-12 घंटे शिफ्टां लाइया मैं 3 महीने, तो वह 3 महीने मैं लाए जड़े वह 3 महीनों के मैनू 1 रुपया भी मतलब मैं इधर नहीं भेजा आपके घर, जोड़ा मेरा 60-70 हज़ार रुपया बनता है वह भी नहीं मैनू मिले उतों, इधर जोड़ा मैं करजा चक्या घर गेड़े मारन लग गए, करते आ गए मम्मी की जान खाण लग गए भी ढा मुंडा बहर गया साढ़े पैसे दो हूँ भी ढे पैसे दो हूँ, सगो तुम वाहवा कमा लिया हो गए पैसे भी साढ़े पैसे मोड़ो हूँ तुम, तो मैं आपका साइकिल लैके आ रहा है, तो मैं इदा आ रहा तो अगे मेरे ट्रक जा रहा है इदा सरिया का लद्या हुआ, वह सरिया का जो ट्रक से काफ़ी उच्चा सगा, मेरा जो साइकिल से नीवा सगा, यकदम ट्रक का टायर वगैरह पेंचर हो गया, इदा यकदम स्टॉप हो गया, ब्रेकां मारियाँ स्लो सगा ट्रक जिदा पलटिया वगैरह नहीं, उसने कंट्रोल कर लिया जो टायर पेंचर होया ब्रेक मारी, तो मेरा साइकिल सगा जो सीधा थले ट्रक से जाके वज गया। अगर मेरी हाइट उच्ची होंगी वो सरिए जे मैं इतों लंघने से मेरे सरिए जे इतों की अखा के बच्चे आर पार होने जे मेरी हाइट उच्ची होंगी, फिर उदो मेरे यकदम जहन च घूमी गल भी नहीं यार रब ने जो भी किया वा चंगा किया वा,
अगर मेरी हाइट अज उच्ची होंगी तो मैं अज मतलब भी मेरी जिहड़ी मां वा अज मेरे जिहड़ा मुर्दा वा मैं होया हुंदा मेरी मां रो रही होंगी मैनू। फिर मेरे जहन च घूमी गल नहीं भी जो रब ने तैनूं दिता वा इसनूं कबूल कर। मैं हाँ तुहाडे नाल जसप्रीत, अज तुहाडी मुलाकात लापरी दे नाल करवाण जा रहे हैं जिन्हां दी हाइट 4 फुट 4 इंच है। वैसे तो कुछ मैटर नहीं करता हाइट किन्नी आ, घट है जां वध है, बंदे दी सोच बंदे दा नज़रिया जिहड़ा आ ओह उच्चा होना चाहीदा। तो इन्हां दी हाइट करके इन्हां नूं बहुत कुछ सुनना पिया, बहुत मेड़े भी मारे लोगों ने। अज इन्हां दे नाल गलबात करांगे, इन्हां दी जिंदगी बारे गलबात करांगे। मकसद सिर्फ इन्ना होगा क्योंकि इन्हां दी हाइट छोटी इन्हां दे करके इहदे करके जिस करके लोगों दे बहुत गल्लां सुनियां ये किद्दां उभर के बाहर निकले। उदा ही इन्हां वर्गे जिहड़े होर लोग ने वह भी अपने जिंदगी दे विच अग्गे वध सकन, जिहड़ियां प्रॉब्लम्स जो लोग उन्हां नूं गल्लां करदे ने उन्हां तों उन्हां नूं अवॉइड कर सकन, इन्हां तों इन्हां नूं जिहड़ी आ वह प्रेरणा मिल सके। गलबात करते सब तो पहले स्वागत कर लिया लवप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, किवें ठीक हो? हाँ जी हाँ जी ठीक ठाक। लवप्रीत जदों बर्थ हुंदा आ उदों कि उदों किन्नी हाइट हुंदी आ? उदों नॉर्मल बच्चे की तरह हुंदा तुहाडा बर्थ जां फिर छोटी हाइट हुंदी आ? स्टार्टिंग दे विच एक नॉर्मल जिद्दां कह लो कि अपना बच्चा जन्म लैंदा वा स्टार्टिंग दे विच तां मतलब नॉर्मल ही सी, कुछ इदां दा फील नहीं होना, घरदिआं नूं वी इदां दा कुछ नहीं सी पता वी मतलब साडा बच्चा अगे चल के इदां होगा। स्टार्टिंग दे विच वेट वगैरह हाइट वगैरह जिहड़ी एक नॉर्मल बच्चे दी हुंदी आ सेम उदां ही सी मैं, ते हौली हौली जिद्दां ग्रोथ होणी जिद्दां हौली हौली पता लगना रिड़ना बच्चे ने कुछ पता नहीं चलना गा, हौली हौली ग्रोथ हुंदी गई, हौली हौली वड्डा हुंदा गया मैं। ते स्टार्टिंग दे विच जिद्दां वड्डा होई जाणा वा एक जिद्दां कह लो कि बच्चों नूं खिडाउणा वा जां चकना वा कुछ फील नहीं होना इदां दा कि बच्चा साडा बोणा वा जां मदरा वा कुछ फील नहीं होना। स्टा हौली हौली बाद दे विच जिद्दां मैं होर ग्रोथ करदा गया मेरी हाइट वधनी नहीं स्टार्टिंग हो गई मतलब एक बहुत स्लोली स्लोली कह लो कि मतलब हाइट मेरी ग्रो होनी शुरू हो गई सीगी, बिल्कुल जिद्दां अपना एक पेड़ हुंदा वा हौली हौली ग्रो हुंदा उह सब हो गया सी मेरे नाल, हाइट बिल्कुल हौली हौली ग्रो शुरू हो गई सी मतलब एक साल दे विच कह लो कि अपना अद्धी इंची एक इंची मतलब मसा वधदी सी मेरी हाइट। तो हौली हौली घरदिआं नूं पता लगन लग गया सी, फील होण लग गया सीगा, ते घरदिआं ने जिद्दां मैनूं मतलब दसना नहीं कुछ भी मतलब भी तूं इदां वा जां साडे वरगूं आ तूं मतलब भी तेरी हाइट इन्नी क रहिणी आ जां किद्दां, हौली हौली मतलब ग्रो हुंदी गई हाइट मेरी। मैं मतलब घरदिआं ने स्कूल दे विच पाया मैनूं, स्कूल दे विच पहली क्लास दूजी क्लास तीजी क्लास चौथी क्लास हौली हौली जिद्दां मतलब क्लासां वधदियां गईयां हौली हौली बिल्कुल स्लोली स्लोली हाइट ग्रो हुंदी गई। तो फिर अचानक मतलब जिद्दां कह लो कि मैं 6वीं 7वीं क्लास दे विच जाना वा तो उस तो मतलब स्टार्ट हो जाती जर्नी मेरी कि मतलब जिहड़ियां मुश्किलां वा मेरे ते जिहड़ियां मतलब एकदम आउणियां शुरू हो जांदियां वा स्टार्ट हो जांदियां वा, हौली हौली मैनूं पता लगन लग जांदा वा कि मतलब मैं आ चीज़ वा मतलब आ कमियां वा मेरे विच, हाँ जी मेरी हाइट छोटी आ। तो हौली हौली 7वीं 8वीं क्लासां वधदियां जाणियां मुश्किलां होर वधदियां जाणियां क्योंकि एक जिहड़ा हुंदा वा नज़रिया लोगों का देखण दा जिद्दां हुण सामने कोई चीज़ वा उसनू एकदम रिएक्ट कर दिंदे आ कई वारी इंसान नू जज करन लग जांदे आ वी नहीं बई तूं तां आही आ मतलब भी जज कर देणा वा भी तूं चंगा वा चाहे माड़ा। कमेंट करदे सीगे? कमेंट जिद्दां हुण मेरे नाल दे कई दोस्त हुंदे सीगे दोस्त मेरे नाल दे हुणे एक दो दोस्त मेरे होंदे जिन्हां दे नाल ज़्यादा प्यार सीगा मेरा उन्हां नूं तां पता सीगा वी मतलब डिसेबिलिटी दा मेरी दा पता सी उन्हां नूं वी मतलब इहनूं जे कहांगे तां इहनूं बैड फील होऊगा हर्ट होऊगा इहनूं, ते इस करके उह मतलब दिल दे विच उहनां दे वी हुंदी सी चाहना वी मतलब इहनूं सताईए जां किद्दां करीए। ते जिहड़े नाल दे होर क्लासां दे मेरी छोटी क्लास दे विद्यार्थी हुंदे सी उहनां ने आ के क्लास दे विच गेट दे कोल खड़ के आवाज़ां मारनियां ओए बोणे तू एडा की रहना वा ओए बोणे मेरे नाल लड़ ला ओए बोणे मैं तैनूं कुट दूंगा इदां मैनूं कमेंट करने मेरी तो छोटी क्लास के बच्चे ने क्योंकि मेरी हाइट उन्हां दी मेरी तो जिहड़ी छोटी क्लास के बच्चे ही उन्हां दी हाइट के बराबर हाइट सी मेरी क्योंकि जिहड़े मेरी क्लास के दोस्त सीगे जां मेरी क्लास के स्टूडेंट सीगे मेरे तो काफ़ी लंबे सीगे ते ओह इदां दीआं गल्लां सुनियां फिर हौली हौली इदां होर मतलब अगे क्लासां वधदियां गईयां। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣੇ
उहदे विच एक आदि मानव वाला लैसन हुंदा सीगा, एक साइंस दा हुंदा सीगा। तो मैडम ने मैनू खड़े कर लेना, मैडम ने कहना भी आ जिहड़ा लैसन है ये तेरे ते बनिया वा, आदि मानव दा यानी कि अद्धा बंदा, अद्धा बंदा ये तेरे ते बनिया वा लैसन ये। तो मैनू इन्ना क मतलब फील होना कि यार मैं मतलब जिन्हां तों शिक्षा लै रहा वा भी मतलब उही मैनू शिक्षा इदां दी दे रहे आ, ते अगे जिहड़े मतलब स्टूडेंट्स वगैरह वा उन्होंने तो मैनू कमेंट करना ही आ। तो इस करके मतलब भी मैं सोच लिया सीगा भी मतलब भी चीज़ वट ली सी ये भी मतलब सुननिया पैनिया वा, मेरे कर्मा च लिखिया गई गल्ला मैं सुननिया पैनिया वा, सुनते जाना इदा हौली हौली क्लासा वध दियां गई, अगे ग्रोथ होंगी गई क्लासा की, सतवीं की अठवीं की, अठवीं तो बाद नौवीं दे विच जिदा मैं गया अपने पिंड दे स्कूल तो वड्डे स्कूल दे विच गया मैं, प्लस टू तक स्कूल से उस स्कूल दे विच मैं गया मैं। तो हरेक दे नाल दोस्ती हुंदी है, नवे नवे दोस्त बनते हैं, क्योंकि जिहड़े मेरे पिछले दोस्त सीगे वो क्लासां चेंज हो गई सीगियां, कोई ए सैक्शन च हो गया, कोई बी च हो गया, कोई सी च हो गया, मैं जिहड़ा सीगा मेरा अलग सैक्शन सी दे विच जिहड़े सीगे सारे नवे सीगे दोस्त मेरे, फिर मैं कल्ला रह गया। मैनूं इदां फील होण लग गया यार मैं पहलां भी उत्थे भी कल्ला सीगा, इत्थे भी कल्ला रह गया, मेरा जिहड़ा इक अद्धा दोस्त सीगा उह भी मेरे नाल नहीं गा हुण, जिहड़ा चलो उदां सी चाहे जां किद्दां भी सीगा पर मेरे नाल है तां सी, चलो मेरे नाल खड़ता सीगा, चलो मैनू मूँह तो नहीं सी माड़ा कहिंदा, चलो उदा दिल च सोचता होगा कोई गल नहीं, बट मेरे नाल खड़ता हुंदा सीगा। तो उस टाइम मैनू इदा फील होया कि नहीं यार मैं हुण तां कल्ला ही रह गया वा, तो इदा क्लासा दे विच उहो ही जिदा मैं पिंड दे स्कूल दे विच बैठे रहना क्लास दे विच, उदा ही मैं उत्थे भी बैठे रहना क्लास दे विच, कल्ले बैठे रहना मैं, तो सोची जाना यार उहो ही मतलब घूमी जानी मेरे दिमाग दे विच वी रब ने मैनू इदां दा कातों बनाता, की गल हो गई मेरे तो, किहड़ी गलती हो गई जां मेरे घरदियां तो किहड़ी गलती हो गई वी इदां दा मैनू बनाता उसने। तो हौली हौली इदां अगे गल वधदी गई, क्लास दे विच एक दो दो जिहड़े स्टूडेंट सीगे मेरे दोस्त बने, बहणी उठनी हो गई आपस दे विच, टिफिन शेयर करने, उहनां दे नाल गल्लां बातां करनियां। तो स्टार्टिंग दे विच उहनां ने भी मैनू मतलब कमेंट पास करने भी तू बोणा वा, तू साडे तो देख, आपदी हाइट देख सार, ते आपदी देख साडी देख, भी अहीं तेरे तो लम्मे आ, भी मतलब भी तू कुछ नहीं कर सकदा जिंदगी दे विच, इदां दीआं गल्लां करनियां। तो फिर हौली हौली मतलब एक अटैचमेंट बननी शुरू हो गई, साल छे महीने बाद जिदा एकदम टिफिन शेयर करन लग गए मेरे नाल, नहीं भी कोई गल नहीं, चल कोई गल नहीं, जिहड़े दो दोस्त सीगे मेरे उत्थे नाइनथ क्लास दे विच, ते इदां टिफिन शेयर करने, उन्होंने कहना भी लै तू साडी रोटी खा, अं तेरी खाने। उदो मतलब मैं थोड़ा जहा फील होया भी नहीं यार, हाँ भी कितने ना कितने लगता भी मैं कोई गल नहीं, जो हो गया भी मतलब मैं समझने वाले दो दोस्त है जिहड़े पिछे सीगे, चल कोई गल नहीं जिहड़े रह गए पिछे रह गए, बट एग्जैक्टली हुण जिहड़े हैगे आ उह मैनूं समझदे आ, ते इदां मैनूं फील होण लग गया हाँ भी चल भी वधिया वा जो भी है चलो ठीक आ। तो हौली हौली इदां गा छे महीने सत्त महीने हो गए, अठ महीने हो गए एक क्लास दे विच, ते साडे स्कूल दे विच मेरी क्लास दे विच एक कुड़ी हुंदी सीगी एक, ते नॉर्मली आपां अट्रैक्शन हो जांदी है, फीलिंग्स जिहड़ियां हुंदियां वा उह आपां ऑटोमैटिक ही एक दूसरे लई आउण लग जांदियां वा, किसी नूं ज़्यादा आ जांदी किसी नूं घट आउंदी फीलिंग्स वगैरह। तो वह जिहड़ियां फीलिंगां मेरियां सीगियां प्योर फीलिंग्स जिहड़ियां आपां जिहनूं कह लो कि प्यार हुंदा वा अपना, जिहड़ा एक सोची जाना उस बारे मतलब कि हाँ मेरा फ्यूचर इहदे नाल इदां होगा उदां होगा, वह सोची जाना। तो उस बारे मतलब एक अलग लैवल का नज़रिया मेरा हो गया सीगा, जिदा मतलब उसनू देखना मैं उसके बारे सोचता रहना, उसने मेरे दिमाग दे विच घूमी जाना, उस कुड़ी ने सारी दिहाड़ी उस कुड़ी ने घूमी जाना स्कूले, मैं सिर्फ अपने नाइनथ क्लास दे विच सिर्फ उसदा करके मैं जाता हुंदा सी, मैं भी उसनू मैं देखूंगा जाके। तो अट्रैक्शन मेरी वधदी गई उस कुड़ी वल, तो मैं अपने दोस्त दे नाल गल कीती भी मैं मतलब इस कुड़ी नू पसंद करदा वा मैं, तो मैं अपनी यार इस कुड़ी दे नाल जिंदगी जीनी चाहुंदा वा, मतलब स्टडी कंप्लीट करके मैं मतलब इस दे नाल आपदा फ्यूचर देख रहा वा अपना भी, आ मैं इस दे नाल अपना फ्यूचर बतीत करना चाहुंदा वा। तो मेरे दोस्त ने मैनू इह गल कही भी यार तू उसकी हाइट देख, ताल दी हाइट देख, भी मतलब की मतलब एक तू मतलब सोच के गल कर दिया वा यार उस दे नाल तू फ्यूचर जीवन करना चाहुंदा वा, अचीव करना चाहुंदा वा कुछ भी, मतलब उसने मैनू वह गल कहती भी मतलब जिहड़ी मैं एक साल पहला भुल चुकिया सीगा, खुद नूं मतलब मनना हट गया सी, मैं एक नॉर्मल पीपल आ भी समझन लग गया सी मैं नॉर्मल ही हाँ, मैं भी कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं मेरे विच, नॉर्मल हाँ मैं। तो उसने मैनू रियलाइज़ करवाता एक बारी तां भी हाँ भी मतलब तू उही आ, तू कुछ नहीं बदलिया तेरी जिंदगी तू उही आ तू। तो पर मैं उसनू कहा नहीं यार मैं मतलब भी जिंदगी जीनी है तो इस कुड़ी दे नाल ही जीनी है, तो होर मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं मतलब फ्यूचर आपदा इस कुड़ी दे नाल ही जीना वा। तो उसने मैनू कहा चल कोई गल नहीं, कोई गल नहीं तू मतलब प्रपोज़ कर दी कोई गल नहीं। तो एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड दे नाल आई सी, अपना पानी वगैरह पीण आई टूटी, तो मैं अपने दोस्त नूं कहा मैं कहा तू इत्थे रुक मैं आना वा, तो एडे मतलब सत्त अठ फुट की दीवार होनी है उस तो मैं छाल मारी मैं,
तो अपना गिट्टा तड़वा लिया मूछ पवा ली मैं अपने गिट्टे दे विच उस कुड़ी दा करके तो गया मैं फुल वगैरह तोड़िया मैं तो गुलाब का फुल लगा सीगा वो मैं हजे तक याद है जी जी जख्म मैं मिले से ना उस दिन वो मैं हजे तक याद है एक तो मैं अपना गिट्टा तड़वाया जो मैं फुल गुलाब का तोड़िया तो मेरे इतने कंडा वजा से मैं हजे तक याद आ बखूबी तो मैं फुल तोड़िया मैं तो मैं गया मैं तो उसनू मैं उसकी सहेली मैं कहा भी मैं गल करनी है दो मिनट ये तेरी बेस्ट फ्रेंड के नाल तो उसने मैंने कहा भी कोई गल नहीं कर ला गल तू तो मैं उसनू सीधा मैं कुछ नहीं मतलब कोई वड्डी वधा चढ़ा के गल नहीं की भी इदा मतलब भी जिदा अपना कह लो नॉर्मल मुंडे गल करते भी मैं तेरे लिए आह कर दूँ वह कर दूँ मैं उन्होंने सीरियस इको गल दसी सी मैं कहा भी मैं तेरे ना जिंदगी जीनी चाहना वा तो उसने मैंने गाड़ियों कहा भी कहती उरे आ मेरे लागे इतने खड़ा हो जा मेरे लागे आके तो मैं कहा शायद हाँ भी मतलब कुछ दिल के होगी फीलिंग्स ये तो मैं लागे जाके खड़ा हो गया तो मैं कहती आपका मोढ़ा देख इतने ला के तो मेरे मतलब एकदम जहन च घूमी गल भी नहीं आ रही गल उही होण वाली है मेरे ना तो कहती मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के देख आपका तो मेरा मोढ़ा देख तो आपका मोढ़ा देख तो कहती आपकी हाइट देख मेरी हाइट देख कहती तेरे ना मेरा कोई फ्यूचर हैगा वा कहती मैं तेरे ना विआह करा लवा लोगों के ना कल नूं गल्लां सुननियां पैणियां मैनूं मैं तेरे नाल जाऊँगी हरेक ने मैनूं कहना वा भी इहदा घर वाला बोणा वा इदा वा उदा वा तरह तरह दीआं गल्लां करनियां मतलब इस हद तक उहने मैनूं मतलब गल्लां सुनाईआं कि मैनूं खुद तों नफरत जी होण लग गई भी मतलब यार भी रब ने मैनूं फिर उहो ही जहन दे विच गल्लां घूमण लग गईआं भी रब ने मैनूं इदां दा कातों बनाता मैनूं की मतलब गलतियां हो गईआं मेरे कोलों जिहड़ियां भी रब ने मैनूं इदां दा ही बनाता की मतलब किहड़े महीने मतलब किस टाइम रब ने आपकी कलम चलाई जिस टाइम मैंने बनाया इस तो चंगा इस तरह मैंने जन्म ही ना दिता मेरे जहन च यहो जी गल्ला घूमन लग गई तो उस तो बाद मैं हौली हौली मतलब भी इग्नोर करना शुरू करता उस कुड़ी ने जो उन्हें मैंने कहा ना भी तू इदा वा तेरे ना कोई फ्यूचर नहीं मेरा तो औखे सौखे नौवीं कंप्लीट कर ली मैं नौवीं तो बाद मैं हट गया मैं तो स्कूल जाना बंद करता मैं घरदे नूं कहता मैं कहा मैं नहीं स्कूले जाना गा तो घरदे कहते भी कातों नहीं जाना गा घरदे ने लड़ना मेरे ना गाला कढ़निया मैनू मेरी माता ने रोना करलाना भी तू चल जा स्कूले तेरी जिंदगी बन जूगी पर मैं उन्होंने कुछ दसने योग है ही नहीं सीगा मैं केड़ी गलों किस रीजन का करके भी मैं स्कूल दे विच नहीं जाना चाहुंदा गा वो रीजन मेरे अंदर घूमी जा रहा सीगा जहर बनी जा रहा सीगा अंदर मेरे घूम घूम के मैं दस नहीं सकता भी मतलब इस रीजन का करके भी मैं स्कूल नहीं जा सकता गा उन्होंने लड़ना मेरे ना कुटना मैनू मेरी मम्मी ने एक बार मैनू कुटिया मैनू फूकनिया के नाल कुटिया मैनू भी तू स्कूले नहीं जाना गा तो मारी जा इदा हो जा उदा हो जा खुद नूं मतलब मैं कोसण लग गया ही मैं रब नूं मैं कहण लग गया ही रब्बा मैनू चक ला मतलब मैं जीना ही नहीं गा चाहुंदा मैं भी कुछ ना कुछ को गड्डी थले दे दे जां मैनू कुछ भी कर दे बस मैनू खत्म कर दे मैं जिंदगी जीनी नहीं चाहुंदा गा मैं तो खत्म कर दे उस तो बाद की होया कि एक अचानक साढ़े घर परसन आउंदा वा कहिंदा वा कि आ जिहड़ा तुहाडा मुंडा वा ना इहने स्कूल दे विच इदां कीता वा वो जिहड़ा परसन सीगा वो रिलेटिव सीगा उहनां दा जिहड़ी कुड़ी दे नाल सी मैं ते उहनां दा रिलेटिव सीगा कोई गल नहीं वीरे भावुक नहीं होना सब नूं सब कुछ नहीं मिलदा ठीक है परमात्मा ने जे दुख दित्ता कोई गल नहीं हिम्मत भी दित्ती उहनी तुहानूं तुसीं इत्थे तक पहुँचे हो ठीक है भावुक नहीं होना ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਕਸਦ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਆ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਕੇ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਸ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭੈਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸਨੇ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜੋ ਫਲਾਨਾ ਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫੂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਈ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, 9ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਸਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਆਹਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਝੇਲਣ ਦਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁਮਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਹਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ, 10 ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲੋਂ, 10 ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਹਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕੇ ਆ ਜੂਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਤਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕਣੇ, ਗਲਾਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਸੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਭਾਂਡੇ ਚੱਕਣੇ, ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਡੂ ਆ, ਉਹ ਬੋਣੇ ਆ, ਆਹ ਗਲਾਸੀ ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਮੈਂ, ਕੰਮ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਮੇਰੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੋਈ। ਇੱਦਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵੱਜਦੇ ਆ, 9-10 ਵੱਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਕਾਰ ਨੀਂਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
इन्नी माड़ी किस्मत कह लो जां चंगी कह लो कुछ नहीं मैं पता इस बारे। मेरे फादर साहब अंदरों उठ के आते हैं तो मेरे मंजे पर आके बह जाते हैं तो अचानक मेरी नींद खुल जाती है तो मैं देखता मेरे फादर साहब बैठे ने खंघ रहे होंगे जिदा एक जान निकलनी होंगी जिदा खंघ रहे होंगे आ। मैं जकदम मुड़दा मैं अपने डैडी पुछदा वा डैडी की गल हुई तू ठीक तो वा मैनू कहें हाँ मैं ठीक वा कोई गल नहीं तू पै जा तू सौ जा तू नहीं मैं मैं सौना नहीं गया मैं तुम बैठे हैं मैं इदा कि सौने वा तो मैं दवा भज के अंदरों कुर्सी लिया चक के मैं कुर्सी पर बहाया उन्होंने तो मम्मी मैं ठा लिया मम्मी होनी मेरे आए दवा दा उठ के आए मेरे मामा जी होनी साढ़े नाल रेंदे ने दवा दा उठ के आए सारे ने फड़ लिया तो एकदम जिदा सह रुकन लग जाता सह रुकन लग गया उन्होंने तो मैं पानी लैके आया भज के तो इन्नी मेरी माड़ी किस्मत मेरे मम्मी होना ने पानी पिलाया तो मेरे फादर साहब ने पानी पिलाया तो मेरे हथों पानी तक नसीब नहीं होया मेरे फादर साहब न उस दिन फिर मेरे जहन च उही गल्लां घूमन लग गई भी तू कैसा निकड़मा पुत वा जिस दे हथों तेरे प्यो नू पानी तक नसीब नहीं होया। मैं अपने डैडी नू गलास दा पानी इदा पिलाया वा तो उन्हां दी जान निकल गई है तो वह इन्ना क माड़ा समा सीगा मेरा कि मतलब मैं शब्दां राही बयान नहीं कर सकता कि इन्नी क मतलब काली रात सी मेरे लिए वह मैं बयान करा भी तो कर नहीं सकता वह जिहड़ी रात सी मेरी इन्नी क दुख तकलीफां दे नाल भरी हुई रात सी मेरी। उस रात मैनू इदा महसूस होया कि यार इन्ने दुख दिते तू आपदे माँ प्यो नू कोई सुख नहीं तेरे माँ प्यो ने देखिया तो तेरा प्यो बिना सुख देखे चले गया दुनिया तो मतलब इन्ना तू दुखी किया तो हौली हौली इदा मैं आपदे जहन च उही पहला तो मैनू कुड़ी दे जहन दी गल्लां मैं खत्म कीतियां सी फिर मेरे ते इह परेशानियां दुख तकलीफां झल गईयां मैं मतलब सोची जाना यार भी कितें मेरे कारण तो नहीं यार भी इदा हो गया डैडी नू भी मतलब मैं दुख दिंदा सी परेशान करदा सी कितें मेरे कारण तो नहीं हो गया। फिर मैं एक दिन मम्मी नाल गल की मैं कहा मम्मी इदा इदा मैं टेंशन रही है भी मेरे कारण भी डैडी इदा हो गया वा तो मम्मी मेरी ने घुट के मैं जफ्फी पाई तो कहती भी नहीं नहीं इदा दी नहीं सोची दी होंगी बहुत भी मतलब भी ये एक रब का खेड वा भी रब ने जिन्हों कल्या वा उन्हों लैके भी जाना वा। फिर मैं सोचा यार भी ये रब की मर्जी होगी जिनी उम्र लिखी सी उन्होंने उन्नी उन्होंने भुगत ली आ। फिर मैं सोचा यार भी मैं काम होर सीखदा वा मेरे फादर साहब दर्जी का काम करते सके फिर मैं सोचा भी मेरे फादर साहब की रूह की शांति लई मैं दर्जी का काम सीखदा वा। फिर मैं दर्जी का काम सीखा 6-7 महीने काम सीखा मैं दर्जी का तो इदा मैं दुकाने घट्टो घट्ट भी 3-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी पानी 6-6, 7-8, 8-8, 10-10, 12-12 कमी पजा में दिन के कड़ने बैठे रहना सारा दिन ही बैठे रहना 6 बजे तो लैके 8 बजे तक 10 बजे तक दुकान पर बैठे रहना। वो जहन दे विच मेरे गल्लां को मरियां सीगियां भी यार मेरे फादर साहब ने सुख नहीं देखिया तो मेरी माँ नूं मैं आपदे कर्मां च सुख कर देवां भी इन्ना क काबिल बन जावां मैं कि मेरी माँ जिथे जिथे पैर रखे उत्थे उत्थे फुल विछण इस थुक तकर मेरी सोच सीगी। तो हौली हौली इदा काम करता गया मैं 3-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी पाउणी तो अचानक अपना लॉकडाउन लग जांदा वा। लॉकडाउन ने मतलब मेरी जिंदगी नूं बदल ही दिता एक तरह बदल के रखता मेरी जिंदगी नूं लॉकडाउन ने। एक साल मैं अपनी दुकान के उत्ते वेला बैठा रहा एक रुपया भी मतलब भी दुकान तो मैं इनकम नहीं की कितने मैं 3-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी पाँदा सीगा तो कितने मैं एक रुपया भी नहीं दिहाड़ी पाउण लग गया। एक साल मैं वेला बैठा रहा दुकाने घट्टो घट्ट भी फिर मैं फैसला लै लिया सीगा भी मतलब ये काम छड़ देना भी काम होर करना मैं तो 5 हज़ार रुपया मेरी दुकान का किराया बन गया सीगा। वह मम्मी मेरी ने अपन वालियाँ जिहड़ियां सोने दियां हुंदियां ने वह गहने रख के मैनूं 5 हज़ार रुपया दिता। फिर मैं 5 हज़ार रुपया दुकान वाले नूं दिता फिर मैं उन्हूं मैनू उसने समान चक्कन दिता उस तों दुकान तो फिर मैं अपना समान चक्या मैं घर ले आंदा मैं तो उस तों बाद मैं 2-3 महीने घर बैठा सीगा साढ़े नाल ही इदा गवांढ वा साढ़े तो उहदा जिहड़ा ब्रदर वा उहदा साढ़े गवांढ एक लेडीज़ वा उन्हां दा ब्रदर बाहर वा तो वह आए वो साढ़े घर आए तो कहिंदे भी साडा जिहड़ा लड़का वा वह बाहर वा इदा काम कर रहा होटल वगैरह का काम कर रहा वा तो तुसीं मुंडा आपदा भेजो। मम्मी कहिंदी भी कोई गल नहीं भेज दिंदे आ तुसीं काम दसो की आ। काम सीगा उत्थे हाउसकीपिंग दा काम सीगा तो इत्थों मेरी जिहड़ी एक दुखां दी कहानी जिहड़ी होर शुरू हुंदी है वड्डे दुखां दी कहानी जिथे मैं करजाई हो गया जिस कारण बाहर जाण दे कारण मैं करजाई हो गया मेरा वाल वाल करजे दे विच विन्निया गया। वो लेडीज़ आती है तो मेरी मम्मी नूं एक तरह जे बहका के फुसला के जिदा एक कह लो कि मिठे पोचे पाने जां कुछ भी कह लो करके अपने वश दे विच तो उन्हें कहा भी मुंडा आपदा बाहर भेज दो। चल मैं क्या भी यार इत्थे तो पंजाब दे विच मतलब फ्यूचर है नहीं गा मेरा भी चल मैं बाहर चल जाना वा कोई गल नहीं। फिर मैं बाहर गया मैं तो 2-3 महीने लगे तो वीज़ा आ गया मेरा दुबई का वीज़ा आया सीगा मेरा
तीन महीने का वीज़ा आया मेरा, उसने बंदे ने वीज़ा कढ़वाया मेरा, तो 70,000 रुपया मैं उसनों दिता सी। मैं उस इंसान को मैं पहला मैं दसिया, मैं क्या भी बापा जी मैं अपने जिहड़े गहने गट्टे आ ना मेरी माँ दे मेरी भैन दे, वो मैं गहने गट्टे रख के ना वेच के फिर पैसे ला रहा, कि देखी मेरे नाल धोखा ना कर दी। वो कहिंदा नहीं नहीं कोई गल नहीं, धोखे वाली कोई गल नहीं गी। उस लेडीज़ नूं भी मैं कहा साडे नाल ही इदां घर उस लेडीज़ दा, मैं कहा भाभी देखी कि धोखा ना कर दी, मैं कहा भी कला कला मैं हैगा वा, कि साडा थां ना वका दी साडा। तो कहिंदी नहीं नहीं, कहिंदी लव इदां दी नहीं कोई भी गल, तू बाहर दा ला तू। तो पैसे दिते 70,000 रुपया उन्होंने दिता सी, तो वीज़ा आ गया। एक महीने बाद मेरा वीज़ा आ गया, 3 महीने का विजिटर वीज़ा दिता उन्होंने। तो वो कहते ही 2 साल का वीज़ा लगवावे जरा, 3 महीने का विजिटर वीज़ा दिता उन्होंने मेरा। तो मैं चल गया बाहर दुबई, मेरे 2020 मैं गया सीगा दुबई, अपना 31 दिसंबर की फ्लाइट सी मेरी, उदो मैं बाहर गया मैं दुबई के। तो उ मैं 3 महीने 12-12 घंटे शिफ्टा लाइया मैं 3 महीने, तो वो 3 महीने मैं लाए जड़े, वो 3 महीनों के मैनू 1 रुपया भी मतलब मैं इधर नहीं भेजा आपके घर। जंट ने कहना भी तेरी तनखा कोई नहीं, तेनों महीने की तनखा हो गई है कोई गल नहीं, तेन दे दें, दूजा महीना ला तेन 2 महीनों की कट्ठी तनखा दे देंगे। दूजा महीना मैं लाता, तीजे महीने जो कहता चल तू तीजा महीना ला ला, तीजे महीने की भी तनखा तेन दे देंगे, कट्ठी तनखा तेन दे देंगे, 70-80 हज़ार रुपया जरा तेरा बाना वा तेन कट्ठा देवे सगो। मैं क्या चल भी मैं कट्ठा मिलना वा वधिया वा, सगो मेरे काम आऊगा कर्जा जरा मैं चक के आया वा, भी वो लथ जूगा, चलो एक बार लथ जूगा माँ मेरी, एक बार दे के आऊगी बेचारी। तो इदा 3 महीने हो गए, 3 महीने की लास्ट जी 31 तरीक सी 31 मार्च, उस दिन जंट कहता वा भी तुं इंडिया जाना वा तुम। तो मैं क्या यार भाई इंडिया का तो जाना वा, काम तो आप इतें करना वा। नहीं नहीं कहता अप डाउन करना वा, तुम ता वीज़ा मुक गया वा, कहता तुम जाओगे उस तो बाद आओगे तो 2 साल का वीज़ा लगना वा। मेरे नाल जे मुंडे से कहते चल कोई गल नहीं चलते हैं आप यार तू इंडिया चलते हैं, 20 दिन की तो गल वा। मेरे नाल दिन सगों मैं क्या भी नहीं आप इंडिया नहीं जाना गा, इतें आप लोकल कितने शिफ्ट हो जाने 10-20 दिन वास्ते अंडरग्राउंड वगैरह हो जाने। वो नाल जे उन्होंने एक नहीं मेरी मनी, मतलब भी इंडिया ही कहते जाना। मैं क्या चलो ठीक है इंडिया चल चलते हैं। तो 31 तरीक 31 मार्च सी जिदन वो साड़ी फ्लाइट उन्हें कराई, तुरंत 1 घंटे उन्हें फ्लाइट टिकट बुक कराइया तो असी इंडिया आ गए। इंडिया आने तो बाद पहला मैं उत्थे फोन किया ही आपदे मम्मी होना ने, मैं क्या मम्मी इदा इदा गल वा भी जंट कहता भी 20 दिन वास्ते तुम इंडिया जाना वा। तो मम्मी कहती चलो कोई गल नहीं, 20 दिन की गल आ तो 20 दिन बाद तुम चल जाना वा। तो 20 दिन वास्ते असी इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद 6 महीने जो लॉकडाउन फिर लग गया सो फ्लाइटा वगैरह बंद हो गई उदों, तो जोड़ा मेरा 60-70 हज़ार रुपया बनता है वह भी नहीं मैं मिले उतों। इधर जोड़ा मैं करजा चक्या घर गेड़े मारन लग गए, करते आ गए मम्मी की जान खाण लग गए भी ढा मुंडा बहर गया साढ़े पैसे दो हूँ भी ढे पैसे दो हूँ, सगो तुम वाहवा कमा लिया हो गए पैसे भी साढ़े पैसे मोड़ो हूँ तुम पैसे। तो मोड़ने ही जो मैं अग्यों मिलते पैसे, मैं पैसे अगों तो मैं 1 रुपया नहीं मिले, मैं पिछले पैसे की देने है। तो इदा 2-3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, हौली हौली साल गुजर गया। तो वो गल की जंट के नाल भी मैं क्या यार भाई इदा तो मुश्किल वा भी साडा तो घर ही वेच जाना वा, फिर सानू की फायदा हो तो गलिया च आ जाएंगे भी भाजी साडा जो घर वेच के अं करजा लाया। नहीं नहीं कहिंदा घर नहीं वेखदा ढाडा। तो इदा हौली हौली साल तो 1.5 साल हो गया तो गलबात करनी बंद करती। तो फिर उसका जंट का जिहड़ा जीजा सीगा इत्थों गया, वो लड़ लुड़ पिया कि बाहर उस दे नाल काफ़ी लड़ाई लड़ूई हुई हथों पाई हुए वह। तो उसने की किया, उसने केस करता उसके उत्ते, तो वह मुंडा हजे भी जेल के जंट वा जरा वो जेल के इतने जोड़े साढ़े करीबी से कहें भी तुम पैसे देवे। हूँ मम्मी मेरी उन्होंने घर जाती है मिन्त तरला करती है भी साढ़े पैसे दे दो, एक बारी नहीं 2 बारी च दे दो। तो हूँ मैं मतलब एक सोचता वा भी उन्होंने केस करा, केस भी करदा वा, फिर मैं सोचता वा केस करके की फायदा होगा मैं भी, मैं केस करूँगा मैं भी घट्टो घट मैं 30-40 हज़ार रुपया मिलेगा, फिर मैं देना भी पेगा गांह जोड़े होंगे एडजस्टमेंट करवाने वाले कह लो जिदा मतलब दवाते जिन्होंने आप कह लिए वह दवागे मैं भी मतलब 30-40 हज़ार रुपया दवागे मैं, तो फायदा तो मैं कोई होया नहीं, ना मेरे लथने आ ना मेरे कुछ काम आने वह। फिर एक होर जहन च सोचना भी केस कर देव, पक्का ही केस कर देव भी मतलब भी ये चलो मेरा 70,000 इन्होंने मारिया वा, इन्हों पता लगे भी किसी गरीब के नाल कि धक्का करी दा आपका मतलब भी मिन्त तरले करवा चुके आ वो इंसान साढ़े भी इन्ने 2 साल सानू मिन्त तरले करते हो चले भी मतलब भी 1 रुपया तक नहीं मोड़िया उन्होंने सानू घट्टो घट भी अं उन्होंने कहा भी तुम कट्ठे नहीं देने सानू थोड़े थोड़े करके दे दो 30,000 रुपया एक करी दे दो 20,000 एक करी दे दो थोड़े थोड़े करके दे दो। पर इंसान आ जोड़े
मतलब गल मतलब मन दे है ही नहीं हक दे विच। फिर मैं कीता भी कहना बंद करता उन्होंने, तो फिलहाल बाद दे विच सोचा मैं भी केस करूँगा इन्हां दे उत्ते। एक ड्रॉप आउट करती गल मैं भी, नहीं यार भी इन्होंने तो पैसे देने नहीं, तो मैं वेला बैठा रहूँगा तो मेरी माँ तो घर भुखी मर जूगी बेचारी। उस तो बाद फिर मैं टाइल का काम सीखा, मैं टाइल का काम करन लग गया। फिर मैं हौली हौली टाइल का काम सीख के साढ़े पिंड का ही मुंडा से उसके को मैं काम सीखा टाइल का। जो लोग नैगेटिव वर्ड्स तुहानू बोलते हैं है ना, बिच हाइट छोटी करके बोलते हैं, फिर वो चीज़ा दुख दिंदियां ने। एक ये चीज़ तो डिसेबिलिटी हो गई है ना, दूजा तुहानू लाइफ दे विच इन्ना कुछ सहना पिया, वो सारिया चीज़ों फिर पेन हुंदी है भी। एक तो मैं पहले ही है, मैं है ना भी लोगों दी गल्लां सुनदा, उत्तों तुहाडे नाल इन्ना कुछ होया। पेन एक लाइफ है जिहड़ी अपनी कह लो कि जिंदगी एक दर्दां दे नाल भरी पई। आपां एक दो पहलू हुंदे अपनी जिंदगी दे, एक चंगा पहलू हुंदा वा एक माड़ा पहलू हुंदा वा। आपां नूं दोनों पहलुआं नूं इक्वल दे तौर ते देखना पैंदा वा। जे आपां जिस भी पहलू नूं ज़्यादा देखदे हां आपां नूं ज़्यादा ही दुख दिंदा वा। जे आपां दुखां वाले पहलू नूं देखांगे तां आपां नूं दुख ही मिलना वा, जे आपां सुखां वाले पहलू नूं देखदे हां तां आपां नूं सुख ही मिलना वा। इत्थों मेरी एक नवीं जर्नी स्टार्ट हुंदी है जदों मैं टाइल का काम सीखदा वा। टाइल का काम मैं सीखिया, मैं भी 6-7 महीने लाए मैं टाइल का काम सीखिया वधिया। बट वो जिहड़ी डिसेबिलिटी हुंदी है वो अपने नाल ही रहिंदी है, नाल नाल ग्रो करदी है, अपने नाल खैड़ा नहीं छड़दी अपना। जिहड़ी डिसेबिलिटी हुंदी है अपनी, आपां जिन्ना मर्जी उस तों खैड़ा छड़ा लईए अपना खैड़ा नहीं छड़ सकदी, डिसेबिलिटी जिहड़ी हुंदी आ। हौली हौली मैं टाइल का काम सीखिया, तो एक इदां दीवार सीगी मैं लगा रहा सी टाइल, तो दीवार थोड़ी उच्ची सीगी, तो एक नाल मेरे होर मुंडा सीगा, वो कहते भी मैंने कहता तू कि काम सीख लिया यार, तो मैं जरा हाथ तेरा पहुँचन नहीं दिया गया तो काम तू कि सीख लिया वा। तो मैं यार कोई गल नहीं, मैं पसंद सगा काम मैं सीख लिया। मैं आपकी हाइट के तौर पर थोड़ी काम सीखा, मेरी हाइट एड्डी है कि मैं सीख नहीं सकता काम। मैं काम सीख्या, मैं उसनों मैं भी टेबल लैके आ, मैं तेरे सामने टाइल लाऊंगा। हाँ टेबल उत्तों मंगाया मैं, टाइल वगैरह लाई मैं, तो वॉशरूम वगैरह पूरा कंप्लीट करता मैं। तो उस तो बाद कहता भी नहीं यार, हाँ भी हाइट मैटर नहीं करती गी, मतलब गुण मैटर करता भी कितों तक आप गुण कर रही हाँ। तो वह टायर लगा के असी घर आ रहे थे, तो उस मुंडे ने जाना सीगा कितने, तो मैं आपका साइकिल लैके आ रहा सीगा। जो मैं फील होया नहीं भी मतलब भी ये चंगे तरीके से रब ने मैं जो बख्शी है हाइट, बहुत वधिया तौर पर बख्शी है मैं हाइट ये। तो मैं इदा आ रहा से अगे मेरे ट्रक जा रहा है इदा सरिया का लद्या होया, वो सरिया का जोड़ा ट्रक से काफ़ी उच्चा सगा, मेरा जोड़ा साइकिल से नीवा सगा। यकदम ट्रक का टायर वगैरह पेंचर हो गया, इदा यकदम स्टॉप हो गया, ब्रेक मारियाँ स्लो से ट्रक जिदा पलटिया वगैरह नहीं, उसने कंट्रोल कर लिया जो टायर पेंचर होया ब्रेक मारी। तो मेरा साइकिल से जोड़ा सीधा थले ट्रक दे जाके वज गया। अच्छा। अगर मेरी हाइट उच्ची होंगी तो वह सरिए जोड़े मैं इतों लंघने से, मेरे सरिए जोड़े इतों की अखा के बच्ची आर पार होने जोड़े मेरी हाइट उच्ची होंगी। फिर उदो मेरे यकदम जहन च घूमी गल भी नहीं यार, रब ने जो भी किया वा चंगा किया वा, अगर मेरी हाइट अज उच्ची होंगी तो मैं अज मतलब भी मेरी जी माँ वा अज मेरे जोड़ा मुरदा वा मैं होया हों, मेरी माँ रो रही होंगी मैनू। फिर मेरे जहन च घूमी गल नहीं भी जो रब ने तैनूं दिता वा इसनों कबूल कर, बहुत वधिया गल वा। अचानक उदो थोड़ा जिहा मैं मुस्कुराया मैं आपकी हाइट पर भी नहीं बहुत वधिया गल वा, मेरी हाइट एड्डी आ भी मैं खुश वा इस हाइट के। उदो मैं फील हो गया सगा भी मतलब भी जो भी रब करता वा चंगे लिए करता वा, हाइट एक तरफा मैटर नहीं करती। मेरी हाइट फिर भी सही है, कई होंगे ने अपाहिज मेरे तो भी डिसेबिलिटी वाले होंगे ने, फिर भी वो जिंदगी का जज्बा वा जो नहीं हारते गए। एक उचाइया का जोड़ा उन्होंने मुकाबला जोड़ा करना एक फेस करना जोड़ा तकलीफा यह जिंदगी का एक बनया हुआ वा जोड़ा आप फेस करते नहीं, जिन्ना चर आप दुख तकलीफा उन्ना चर जिंदगी अपनी बैटर नहीं बनती। हरेक पहलू वा जोड़ा जिंदगी का अपना जोड़ा भी कह लो कि हरेक अपना जोड़ा स्टैप वा जिंदगी ने कुछ ना कुछ नवं सिखाना आपू, आप उस तो मूँह नहीं फेर सकते कि जिंदगी तो जो भी अपना हरेक स्टैप वा आप स्टैप चकते हैं, जिंदगी ने कुछ ना कुछ नव अपन सिखा ही सिखा वा। उस तो बाद मैं एक्सैप्ट कर लिया सगा भी नहीं यार भी हाइट मेरी सही आ भी अगे अपना जो भी आ मेरा फ्यूचर है इस दे हाइट के नाल ही है, मैनू मैटर नहीं करता भी कोई मैनू कहता वा जां कुछ भी कहता वा। एक मतलब भी अपना बढ़न बंद करता मैं सुनने वाले का भी मैंने कोई कमेंट करता वा बोना कहता वा या मदरा कहता वा, मैनू फर्क नहीं पैंता गा, मतलब एक्सैप्ट कर लिया भी मैं भी सही आ मेरे लिए जो रब ने किया वा मैनू बहुत वधिया किया वा। अज जे मेरी हाइट होंगी तो अज मैं इत्थे नहीं खड़ा होना सीगा, इस करके हाइट मेरी छोटी है तो मैं इत्थे खड़ा वा। तो मतलब मैं यही मतलब मैसेज वा मेरा जिहड़ा भी जो भी मतलब डिसेबिलिटी है उसनू अपनी डिसेबिलिटी ना बनाओ, उसनू अपनी पावर बनाओ,
शो करके दिखाओ हाँ भी मैं आ कर सकता, तू अगर जे काम आ कर सकता तो मैं भी आ कर सकता वा, वो मैटर नहीं करता भी किन्ने टाइम कर सकता वा, तो काम करके दिखाओ अपनी जिहड़ी जिंदगी आ उसनू ऐन एक चंगे तरीके दे नाल, मतलब भी एक सामने वाला तुहानू कवे भी हाँ भी जिंदगी मेरी इहदी जिंदगी वर्गी होनी चाहीदी आ, भी ये इंसान दुखां दे विच रह के भी हस रहा वा, भी पता नहीं ये मतलब किहड़ी चीज़ खांदा वा जिहड़ा भी मुस्कुराउंदा ही रहिंदा वा, भी जिंदगी नू इस तरीके नाल जीवो कि तुहाडे नाल जिहड़े हसदे आ उह सड़न लग जाण तुहाडे तों, भी इन्ना मुस्कुरा के जिंदगी नू जीवो कि मतलब जिहड़े तुहाडे दुख तकलीफां आ उहनां नू पता ही नहीं लगे भी तुहाडे नाल रह रहे आ जां नहीं रह रहे आ। अब बाकी अपने माँ प्यो की सेवा करो, क्योंकि कुड़ियां वा जिहड़ियां जां तुहाडे फ्रेंड्स वा इह टैंपरेरी आ, जिहड़ा माँ प्यो उह इक परमानेंट वा तुहाडे नाल रहना, उसने जो दुख तकलीफां वा जिथे किसी ने नहीं खड़ना उत्थे तुहाडे माँ प्यो ने खड़ना वा, क्योंकि माँ प्यो एक अजिही चीज़ वा अजिही शै आ जिहड़ी आपां नू वार वार नहीं मिलदी, दोस्त आपां नू वार वार मिल जांदे आ, फ्रेंड्स वार वार मिल जाते अपन, चलो अपना दोस्त एक नहीं मिले आप अगे वादे हैं जिंदगी दे विच, अगे जिंदगी दे विच कई दोस्त मिल जाते हैं, स्कूल टाइम तो शुरू होने हैं, कॉलेज दे विच जाने हैं, यूनिवर्सिटी जाने अपन कई दोस्त मिलते हैं, बट माँ प्यो है जिहड़ा इसने एको वारी मिलना वा, सो अपने माँ प्यो की कदर करो तो अपनी डिसबिलिटी नू अपनी पावर बनाओ, भी मतलब ये ना सोचो भी मैं माड़ा वा भी मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब एक पावर गेन करो आपकी भी हाँ भी मेरे तो इलावा होर कोई आ काम कर नहीं सकता, ते बाकी अगर तुहाडे सामने कोई डिसेबिलिटी वाला आउंदा वा उसनू कमेंट पास करन दी जगह उसनू प्रोत्साहित करो भी काम दे लई भी तू आ काम कर सकदा वा, जकदम आपां बंदे नू कह दिंदे आ भी भाई तू आ काम नहीं कर सकदा तू भी तेनू इत्थे डिसेबिलिटी है तेरी इत्थे पावर खत्म हो जांदी आ, उदों इंसान नू फील हुंदा वा भी हाँ यार भी रब ने किते ना किते गलती करती मैनू भेज के आ दुनिया दे विच गलती करती, कित्थे मतलब इहो जिहे पापी लोकां दे विच भेजता मैनू, ते उह नज़रिया जिहड़ा दुनिया दा वा कहिंदे आ कि अगर दुनिया बदलनी है तो पहला अपने आप नू बदल फिर दुनिया बदली जा सकती है, अगर मैं खुद नू ही नहीं बदलांगा तो दुनिया नू मैं खाख बदलांगा, एक जिहड़ी शुरुआत हुंदी है जिहड़ी बदलन दी एक बदलाव लियाउण दी उह खुद तो शुरू हुंदी है, फिर जाके लोकां दे विच फैलदी आ, इस करके कोई भी डिसेबिलिटी वाला जां कोई भी मतलब इहो जिहा इंसान तुहानू लगदा वा भी इह मतलब इत्थे इसदी एक हानी आ जां कुछ भी आ उसनू इनकरेज करिया करो भी नहीं भी असीं तेरे नाल आ, असीं तैनूं सपोर्ट करदे आ भी तू अगे वध, असीं तेरे पिछे आ बैकअप लई तेरे पिछे खड़े आ, कोई गल नहीं तेरे नाल ही आ, देखी जाऊगी भाई जो भी होगा सारे दे नाल इकट्ठे होगा, इस करके सपोर्ट करिया करो लोकां दी जिहड़े तुहाडे नाल ने, अपने फ्रेंड्स की कदर करिया करो, माँ प्यो की कदर करिया करो, तो बाकी यही आ भी मेरी हाइट वा जो भी मैनूं परमात्मा ने दिता वा जां तुहानूं दिता वा, मेरी कल्ले दी हाइट नहीं बथेरियां दी हाइट छोटी आ, बहुत दुनिया दे विच लोग ने जिन्हां दी हाइट छोटी आ वो मेरे तो भी उच्चे लैवल दे उत्ते काम कर रहे ने, मैं तो कुछ भी नहीं गा हजे, वो मेरे तो भी उपरले लैवल ते काम कर रहे ने कई, जो मेरे तो छोटी हाइट दे भी ने कई लोग, वो कई उपरले लैवल ते काम कर रहे ने, ते इस करके हरेक नूं सपोर्ट करिया करो, तो जो भी गल्लां बातां हुंदियां वा एकदम मूंह ते करन नालों चंगा वा भी देखिया करो भी जिथे हर्ट हुंदा वा बंदे नूं वो गल्लां आपदे अंदर रखिया करो, अगले नूं हर्ट करन नालों चंगा वा भी आपदे अंदर गल्लां रखिया करो, वो तां करके सामने वाला तुहाडा देखण वाला जो नज़रिया वा अगला तुहानू जज करदा वा वो सही तरीके नाल जज कर सके तुहानू, क्योंकि एक जिहड़ी जजमेंट हुंदी आ जजमेंट देनी हुंदी आ वो आपां बड़ी छेती जजमेंट दे दिंदे आ, आपां इह नहीं देखदे कि इंसान ने की भुगतिया वा की झल्लिया वा जिंदगी दे विच आपदी, दे आपां तुरंत कार्रवाई मतलब सुना के जज अरगों एकदम पेंसिल तोड़ दिंदे, नहीं बई तूं मतलब इदां वा तो इदां ही रहेगा, उस नालों चंगा कि तुसीं सपोर्ट करिया करो अगे वधण लई मतलब उत्साहित करिया करो, तो जो भी गल्लां बातां हुंदियां वा उन्हां नूं जिहड़ियां माड़ियां गल्लां बातां वा उन्हां नूं आपदे ज़हन च रख्या करो सामने वाले नूं दुख देण नाल, बाकी दियां जो डिसेबिलिटी है तो नॉर्मल गल्लां आ भी मतलब आई चलाई लगी रहिंदी है, जो भी परमात्मा ने बनाया वा वो मतलब उस दे उत्ते डिपेंड भी मतलब भी जो भी आ गल्लां बातां तो इदां ही चलदियां रहणियां वा, बाकी सोशल मीडिया दे उत्ते मैं एक वीडियो पाई सीगी अपनी तो फेसबुक दे उत्ते वीडियो पाई सी मैं, तो वह काफ़ी वायरल हुई सी वह वीडियो, वह तो वो काफ़ी लोगों ने कॉमेंट किए थे मैनू कई तरह के कॉमेंट किए थे, तो वह गल आ गई फिर मतलब मैं इग्नोर करना शुरू करता सी, मतलब भी जो भी कहता वा कोई कही जाए भी बस आपकी जिंदगी दे विच मस्त रहना वा, एक मुकाम हासिल करना वा जिहड़ा मतलब भी किसी ने मुकाम हासिल ना किया वे वह मुकाम हासिल करना वा, शुरुआत करनी औखी हुंदी है मंजिल ते पहुँचना बहुत सौखा हुंदा वा, शुरुआत करन दे नाल जिहड़ा आपां दा एक
जज्बा हुंदा वा शुरुआत करने वाला वो थोड़ा जिहा औखा हुंदा, बाकी जिहड़े मंजिल तक आप जाना हुंदा वो रास्ता बड़ा हसीन हुंदा वा। तो बाकी तुहानू मैं आपदी दास्तां सुनाई आ, मैं भी रास्ता मतलब दुख तकलीफां भी आउंदियां ने, खुशियां भी मिलदियां ने, जिंदगी दा मतलब इक्वल जिहा काम बनिया होया वा, दुखां दे नाल भी सुखां दे नाल भी। अगर जिथे खुशियां वा उत्थे दुख भी आने आ, जिथे दुख वा उत्थे खुशियां भी आनियां वा, क्योंकि अगर दिन वा तो रात भी आनी आ, रात वा तो दिन भी आना वा। इस करके डील करिया करो, अपने आप नूं फेस करिया करो भी हाँ भी मेरी पावर आ चीज़ वा। इस करके एवें भी सोची ना जाया करो भी मैं मतलब डिसेबिलिटी है मेरी, अंदरों अंदर ही डिप्रैशन च चल जाओगे, किसी का की जाऊगा, मतलब खुद नूं हानि पहुँचाओगे, सुसाइड कर लोगे जां इदां कर लोगे, मतलब भी तुसीं तां मतलब सुसाइड कर लोगे, खत्म हो जूगी गलबात, मुक गई उत्थे गलबात, सारी खत्म हो गई, डीलिंग हो गई तुहाडी, मतलब जिंदगी दी खत्म हो गई। तो उस तो बाद जिहड़े दुख तकलीफां ने तुहाडे माँ प्यो नूं चलने पैणे ने, इस करके फेस करना सिखिया करो, प्रॉब्लम्स दे नाल लड़ना सिखिया करो। सोहनी गल वीरे तुसीं दसी कि डिसेबिलिटी जिहड़ी ओह मैटर नहीं करदी, उहनूं हमेशा अपनी ताकत जिहड़ी आ बनाउणा चाहीदा। तुसीं भी बहुत कुछ कीता अपनी जिंदगी दे विच, उम्मीद करदी हां कि तुहाडी जिहड़ी गलबात आ तुहाडे वर्गे होर लोकां नूं इंस्पायर कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात कीती तुसीं टाइम दा सानूं। थैंक यू जी, थैंक यू, सति श्री अकाल। सो जी बहुत सोहना इन्हां ने बोलिया कि जिहड़ी तुहाडी तुहाडे विच कमी है शरीरक तौर ते, जिहड़ी तुहानूं परमात्मा वल्लों मिली आ उहनूं अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी ने। उम्मीद करती हाँ कि इन्हां दी जिंदगी दे जो दुख सुख ने उतार चढ़ाव ने उन्हां तों तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया होगा। देख दरो साडे चैनल, मैनूं दिओ इजाजत, सति श्री अकाल।